देखिए, कोविड के जो केसेस हैं वो हर जगह उसमें स्पाइक देखी जा रही है। चाहे आप, पहले तो पूरी दुनिया में आपने कई कंट्रीज़ में देखा है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक केसेस में इंक्रीज़ है। उसके साथ यहाँ पर भी केसेस में देख रहे हैं आप डेली इंक्रीज़। तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई वायरस नया नहीं है। अब लगभग 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है हम इस वायरस से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फुल्ली, हर कोई शख्स, एक एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर हम प्रोटोकॉल को ब्रीच करेंगे तो वायरस से माफ़ी नहीं मिलेगी। वायरस किसी का हमदर्द नहीं है। वायरस जहां वायलेशन नज़र आती है वहीं अटैक करता है, और हम इस चीज़ को दावत बिल्कुल न दें, बल्कि इस स्टेज पर वायलेशन वायरस को दावत देने के बराबर है। सर किस तरीके? जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, देखिए इस बार ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पास लगभग दर्जन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन नए प्लांट यहाँ श्रीनगर के मुख्तलिफ जो टर्शरी केयर हैं और जो 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 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या कुछ PHCs भी हैं, उनमें ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो ऑक्सीजन के फ्रंट पर हम काफ़ी अच्छे प्लेस्ड हैं। आपने 500 बेडेड हॉस्पिटल हमारे पास जो सेकंड वेव के टाइम नहीं था, उसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उसके अलावा जो स्टाफ है वो पूरे तरीके से अलर्ट है। तो पब्लिक को मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सभी को मालूम है। और मिसाल के तौर पर पूरे शहर में अगर किसी मार्केट में एक शख्स मास्क नहीं पहन रहा तो वो एक शख्स भी पूरे पूरे एरिया के लिए, पूरे मार्केट के लिए खतरा साबित। स्टाफ हमारे पास सफिशेंट है, कोई डेफिसिट नहीं है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट लोड, जो जो 500 बेडेड हॉस्पिटल के बारे में आपने पूछा है, जब जब पेशेंट लोड बढ़ता है उसी हिसाब से मेडिकल स्टाफ भी हमारा वहाँ डिप्यूट होता रहता है। फंडामेंटली वो मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट में फॉर्चुनेटली जो हमने सैंपल्स अभी तक जो भेजे हुए सैंपल हैं उनमें से कुछ रिजल्ट आने बाकी हैं कुछ के, लेकिन जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो उसमें ओमिक्रॉन की कोई प्रेजेंस का सबूत नहीं है। लेकिन देखिए, वायरस का जो ट्रांसमिशन है ये कम्प्लीटली बॉर्डरलेस है, इसमें